हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का 11th क्लास का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले भी एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन वो किसी एग्जाम का, किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक सामान्य जानकारी के लिए, एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए एक चैप्टर दिया गया है। आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज के दृष्टिकोण से आप पढ़ सकते हैं उसे, और एक समरी है आने वाले सारे चैप्टर्स का। तो उसको छोड़ते हुए जो मेन चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उस पे आज बात करते हैं। और इस चैप्टर से ये एक बेसिक है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो यूनिट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिट क्या है और इसकी जरूरत पड़ी क्यों। उसके बाद मेजरमेंट की भी बात करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स क्या है, थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये यूनिट की जरूरत पड़ी क्यों। जो बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन था, तो उसमें बार्टर सिस्टम चलता था। ऋग्वेद में आपने ऐसा सुना होगा कि लोग गाय दे देते थे एक दूसरे से, और गाय के यूनिट के हिसाब से कोई चीज कंपैरिजन की जाती थी। इतनी गाय दे दिया, दान में 100 गाय दे दी, तो 10 गाय दे करके और कुछ और चीजें ले ली, 1 गाय दे दी तो ये ले ली, तो वो ले ली। तो इसी तरह से अलग अलग चीजों की यूनिट थी, जो एक दूसरे को जरूरत होती थी। उसमें क्या करते थे लोग कि अपना सामान दे देते थे, और उनका सामान जो जरूरत की थी वो ले लेते थे। उसका एक पैरामीटर फिक्स कर लिया था, और उसमें लोगों का आदान प्रदान होता था, उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। उसके बाद थोड़ी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई बार्टर सिस्टम तो कंपेरेटिवली सबकी अलग अलग वैल्यू है, और वैल्यू के हिसाब से ये आदान प्रदान ठीक नहीं है। और कुछ और भी, जब जमीन के टुकड़ों की आदान प्रदान होने लग गई, या किसी चीज की जो लेंथ वाइज थी उसकी आदान प्रदान होने लग गई, एक्सचेंज होने लग गया, तो लोगों ने फिर एक स्केल डेवलप किया खुद से, जिसको कहा हैंड स्पैन और फुट स्पैन, यानी पैर से, कदमों से माप लेते थे लेंथ को, या हैंड स्पैन से माप लेते थे, हाथ से ऐसे कि माप लेते थे और कितने हाथ है, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ लंबी, इस तरह से। तो ऐसे मेजर करके 1 2 ऐसे, तो इस तरीके से मेजर कर लेते थे लोग। तो अब बाद में इसमें भी थोड़ी सी, जो ज्यादा लोग समझदार हो गए, तो थोड़ा इसमें भी कंफ्यूजन होने लग गई, लोगों को परेशानियां हो गई कि भाई किसी की, हर एक आदमी क्या हैंड स्पैन एक बराबर नहीं थे, हाथ की लंबाई एक बराबर नहीं थी, कदम भी किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा जो कंट्राडिक्शन होने लग गई, और धीरे धीरे बाद में अलग अलग, जो वर्ल्ड के अलग अलग कोने में लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हुई, और इनिशियली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हो गई, उनकी आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट है क्या। यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट इज एन इंटरनेशनली नली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहेंगे, जिस क्वांटिटी को फिजिकल मेथड से मेजर किया जा सके। तो यूनिट इज नथिंग एल्स बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। इस सबकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, व्हिच इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज में कंपैरिजन करने के लिए,
और हम इसको यूनिट्स के तौर पे मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो लेंथ है, लेंथ को मेजर करना है और टाइम को मेजर करना है। इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड अलग अलग है और कंपैरिजन अलग अलग यूनिट्स में हो सकते हैं, एक सेम यूनिट में नहीं हो सकते। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे यूनिट्स को, ऐसे रेफरेंस को जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और जिसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको यूनिट कहा गया। तो इनिशियली देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और तीन सिस्टम ऑफ यूनिट था इनिशियली जिसको कि यूज किया गया जाता था लोकल लेवल पे। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स था इनिशियली, वो था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, तीन थे मेजरमेंट्स, तीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के लिए यूनिट था। पहला था MKS सिस्टम, सिस्टम इस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म है MKS, इसमें है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इसको कहा गया। इसमें क्या किया गया कि लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ और को मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया गया, मीटर सिंबल एम है। मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया गया, किलोग्राम यूनिट के तौर पे, और इसको सिंबल केजी। और टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड का इस्तेमाल किया गया, इसका सिंबल एस है। तो ये था एमकेएस सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम था उसको कहा गया सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ये भी सिस्टम क्या था बेसिकली, इसका पूरा नाम था सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ग्राम सिस्टम, ठीक है। और इसमें भी लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया गया, सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया गया, शॉर्ट फॉर्म सीएम। और मास को मेजर करने के लिए ग्राम को इस्तेमाल किया गया, जी से सिंबल। और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया गया, एस। तीसरा जो सिस्टम था एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। और ब्रिटिश सिस्टम, इसी को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। आज भी लोकल लेवल पे ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेंथ को लोग वहां अभी भी फुट में मेजर करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो ये इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का इस्तेमाल किया गया, फुट। मास को मेजर करने के लिए पाउंड का इस्तेमाल किया गया, पाउंड, ठीक है। एंड टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। लेकिन इन तीनों यूनिट्स में आपस में अलग अलग सिस्टम है। जैसे पाउंड जो है एक अलग वेट मेजरमेंट है, किलोग्राम एक अलग मेजरमेंट है, और इसमें जो है जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग गए, एक जगह से दूसरे जगह सामान आने जाने लग गए, तो इसमें जो कंट्राडिक्शन होने लग गई कि एक आदमी पौंड में मेजर करके, सपोज करो हमने यहाँ से किलोग्राम में मेजर करके ब्रिटेन में कोई सामान भेजा, वो पौंड में मेजर कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इंडिया से कम सामान, कम वेट में सामान भेजा गया है। या इसी तरह से हम मीटर में मेजर करके कोई सामान भेजें और वो फीट में मेजर कर रहे हैं और उनको लगे कि नहीं ये तो उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि हमें, फिर एक्सचेंज करने का जो सिस्टम था वो भी थोड़ा कम्प्लेक्स था, लोगों को इतनी आसानी से समझ नहीं आ रही थी। तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट सब ने मिल करके कहा कि ऐसा एक हम सिस्टम डेवलप करें जो पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, और इसलिए उसको सिस्टम इंटरनेशनल का कहा गया। और उस सिस्टम को जो पूरी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो एमकेएस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको कहा गया सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल।
यानी ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हो, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई यूनिट कहा गया और इस यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो इसको जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, इसमें यूनिट्स कौन से लिए गए? तो हमने जैसा कि कहा कि एमकेएस यूनिट का ही ये एडवांस फॉर्म है, तो ये एमकेएस यूनिट का जो तीन फंडामेंटल यूनिट्स थे इनको तो लिया ही गया, यानी लेंथ, मास और टाइम को। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या, सारी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबको हम इन तीन तरह की क्वांटिटी में डिस्क्राइब कर सकते हैं? आंसर है नहीं। तो क्या जितनी दुनिया में, दूसरा सवाल अब ये आता है कि दुनिया में जितनी प्रकार की चीजें हैं उन सबके लिए अलग अलग यूनिट डेवलप करना चाहिए? इसका भी जवाब है नहीं। क्यों? दुनिया में जितनी प्रकार की चीजें हैं उनकी वेराइटीज को कुल अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसके लिए अलग अलग यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे टेम्परेचर को मेजर करना है तो अपनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, है ना, और आपको करंट मेजर करना है तो किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो सिस्टम बनाया गया उसमें कुछ सात तरह की क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया, 7 टाइप की क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया, और उसकी कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये कंपैरिजन ही होती है किसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि इस रॉड की लंबाई 5 मीटर है, इसका मतलब है कि 1 मीटर से कंपैरिजन किया जाता है वो 5 टाइम्स है, इसलिए उसको 5 मीटर कहा जाता है। तो 1 मीटर के कंपैरिजन से, कंपैरिजन किससे हो रही है? 1 मीटर से, और 1 मीटर से चूंकि वो 5 टाइम्स है इसलिए वो 5 मीटर है। तो इसलिए मैं बार बार कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कंपैरिजन जो 7 टाइप की क्वांटिटी थी उसको कंपैरिजन किया गया, और कंपैरिजन करने पे 7 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया, और उस 7 डिफरेंट कैटेगरी के आइटम्स को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें 7 प्रकार की यूनिट्स की जरूरत पड़ी। उस 7 प्रकार की यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं या बेस यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब उस 7 प्रकार की यूनिट्स क्या थे, 7 प्रकार की क्वांटिटी क्या थी, 7 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या थे जिसके लिए 7 डिफरेंट यूनिट्स डेवलप किए गए, और उन 7 डिफरेंट यूनिट्स क्या है जिसको बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं उसको सीखते हैं पहले कि ये 7 यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी 7 टाइप्स के हैं, इसलिए पहले तो ये समझ लीजिए कि दो तरह के यूनिट होते हैं। एक होते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट। पहला टाइप होता है फंडामेंटल यूनिट्स, और बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स। ये है कि 7 डिफरेंट टाइप के, दीज आर 7 न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दीज यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट्स। ठीक है, ये 7 यूनिट हैं कौन, पहले ये समझते हैं उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये जो 7 यूनिट हैं, ये ठीक है,
अब ये देखते हैं कि ये सात यूनिट कौन से और इनपे क्या का नाम है और इनके क्या यूनिट्स। ये सात यूनिट जो है इनको हम कह सकते हैं दीज आर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ठीक है, और ये सिंबल है इनके और इनके फिर सिंबल और इनके नाम ये हम ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, ये है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज ठीक है, और ये है यूनिट्स और ये है उनके सिंबल। तो सबसे पहला जो है वो है लेंथ, लेंथ यूनिट है मीटर और सिंबल है एम। दूसरा है मास, मास का क्या है किलोग्राम, जैसा कि आपको पता है केजी कहा ही कि एमके सिस्टम का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो वो तीन जो फंडामेंटल थे टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, एस सिंबल है ठीक है। उसके बाद जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे। अब टेम्परेचर को क्या आपको लगता है कि मीटर में टेम्परेचर करेंगे, किसी की बॉडी टेम्परेचर 2 मीटर है नहीं, या 3 किलोग्राम है नहीं, या 10 सेकेंड है ये भी नहीं कह सकते। तो इसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी है, डिफरेंट टाइप का क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए केल्विन का इस्तेमाल किया गया। आप सोच रहे होंगे कि हम तो डिग्री और फारेनहाइट भी पढ़े हैं, तो वो अलग है, इसी के अलग एक यूनिट है, बट केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। तो बाकी सब यूनिट जो है वो अलग मेजरमेंट से होते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो केल्विन टेम्परेचर को। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो तो इनमें से किसी से मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक अलग सी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, इसको एम्पियर कहते हैं ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं इसको, टेम्परेचर इज नथिंग एल्स बट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5। अब अगला क्या है, अगला है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी ये क्या होता है लाइट को मेजर करने के लिए, कैंडेला ये सीडी ये सिंबल होता है। और तीसरा जो होता है वो एटॉमिक सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, एटॉमिक सब्सटेंस को मेजर करने के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं, MOL सिंबल होता है ये। हालांकि अलग अलग टाइप के सब्सटेंस के लिए, एटम्स के लिए अलग मोल डिफाइंड होता है, मॉलिक्यूल के लिए अलग डिफाइंड होता है, आयंस के लिए अलग डिफाइंड होता है, इस तरीके से। तो ये जो सात यूनिट आपको दिख रहे हैं, ये सात यूनिट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, ये सात जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स कहे गए। इसके अलावा पहले के बुक सब में दो और यूनिट की बात चर्चा की गई होगी और उसको कहते थे सप्लीमेंट्री यूनिट, लेकिन अब उसे सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं कहते, उसको भी डेराइव यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं, पहले डेराइव यूनिट का डेफिनेशन सीखें उसके बाद समझ में आ जाएगा। डेराइव यूनिट्स क्या है, द यूनिट्स विच कैन बी डेराइव बाई विच कैन बी डेराइव विद हेल्प ऑफ टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड डेराइव यूनिट्स ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपको मेजर करना है स्पीड को, स्पीड की यूनिट चाहिए, तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड में कुछ डिस्टेंस मेजर किया जाता है जब स्पीड से कोई बॉडी चल रहा हो। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास है, लेंथ है, और ये डिस्टेंस मेजर करने में क्या लगता है जी, टाइम लगता है। तो
उस टाइम को हम किसमें मेजर कर सकते हैं, सेकंड में। तो इस तरीके से उसको मेजर करने के लिए हमें चाहिए लेंथ और टाइम, दोनों ही फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इन दोनों की मदद से एक यूनिट बनाया जा सकता है जिसको हम कहेंगे डेराइव यूनिट, बिकॉज इट हैज बीन डेराइव फ्रॉम टू डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स, वन इज लेंथ एंड अदर इज टाइम। तो इस तरीके से डेराइव यूनिट जो है वो दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के डेराइव हो तो उसे हम कहेंगे डेराइव यूनिट, ठीक है। जैसे स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है उसकी यूनिट होती है मीटर, और टाइम की सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, दैट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड, यानी ऐसे, या फिर ऐसे मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये जो है ये यूनिट जो है ये डेराइव यूनिट हुआ। तो इसी आधार पर ये जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट थे उनको कौन कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट थे, कि एक प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन, रेडियन ये यूनिट था, इसका सिंबल था RAD, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों भी कहा गया क्या, डेराइव यूनिट। अर्लियर दिस वाज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसको डेराइव यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लेन एंगल जो होता है उसका एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, कि प्लेन एंगल इज डिस्क्राइब्ड एज द रेशियो ऑफ आर्क, रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। अब ये अगर एक मान लेते हैं कि एक कोई सर्कल है जिसमें ये मान सकते हैं कि यहाँ सेंटर है, और सेंटर है ये, और यहाँ से कोई चीज चल करके, और ए से चल करके मान लेते हैं कि बी पे पहुंचता है, यहाँ पर बी पे पहुंचता है, तो क्या होगा कि यहाँ से चलकर यहाँ तक अगर पहुंचता है ये कोई चीज, ठीक है, ये ए से चल करके अगर बी तक पहुंचता है तो ये एक एंगल बनाता है, और इस एंगल को हम कहते हैं क्या, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा मान लेते हैं, इसी को हम एंगल कहते हैं। ये एक पार्टिकल है, ओ से चल के तक ये आर्कुअल लेंथ जो कवर किया वो हम मान लेते हैं डीएस, छोटा सा डिस्टेंस डीएस, और इस एंगल को भी मान लेते हैं डी थीटा। तो रेडियस कितनी है, आर। ये भी एक क्या है, यहाँ पर एंगल डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस आर अपॉन रेडियस आर, यानी एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल इज इक्वल टू। और एंगल का मेजरमेंट किस में होना चाहिए, रेडियन में, किसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट है रेडियन, इसलिए। तो ये भी चूंकि एक लेंथ है, आर्क भी क्या है, एक लेंथ है, और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, लेंथ और लेंथ डिवाइड किया तो ये डायमेंशन कुछ नहीं रहा इसका। तो ये जो है प्लेन एंगल, इसको प्लेन एंगल पूरा कहते हैं, या एंगल भी कहने से काम चल जाता है, ये होता है थीटा इज इक्वल टू, अगर पूरा लिखें तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये बात दिमाग में रखना है। और इसमें रेडियन मेजर जो होता है वो आप ये कहेंगे कि हम तो डिग्री भी पढ़े हैं, हम तो ग्रेड भी पढ़े हैं, जी बिल्कुल पढ़े हैं, उसका भी एक रिलेशन होता है, लेकिन SI यूनिट जो है, हमेशा यूनिट की बात कर रहे हैं, वो क्या है, रेडियन होता है। तो ये है आर्क अपॉन रेडियस। अगर पूरा सर्कल की बात करें तो पूरा सर्कल में कितने रेडियन का एंगल बनना चाहिए, 2π, क्योंकि पूरा आर्क को लेंथ कितना होगा बताओ, 2πr, और नीचे रेडियस क्या है, आर, आर से आर कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन। सो वन सर्कुलर एंगल इज इक्वल टू 2π रेडियन होता है, 2π रेडियन, रेडियन मेजर होती है। अब सवाल है कि ये तो प्लेन एंगल की बात हो गई जी,
ये किसका बात हुई हमारा प्लेन एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च को आप जलाते हो तो ऐसी एक रोशनी जाती है ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बनाया और यहां से कोई एक चीज इसको भी, यहां से एक लाइन हमने लिया जो इसको ढंग का नहीं बन रहा, चलो यहां से ले लेते हैं, इससे बना लेते हैं। ये जो है लाइन इसको भी टच कर रहा है, इसी तरह से एक लाइन यहां से इसको भी टच मिल रहा है, ठीक है, और एक लाइन यहां से हम ड्रॉ करते हैं जो इसके लिए भी है और एक लाइन इसके लिए भी। तो ये जो है, ये चार जो लाइन आपको दिख रही है, ये यहाँ पे कुछ बना रहा है एक एंगल, और ये जो है ये पूरा क्या है इसको हम कहेंगे ये एरिया डीए, इसको हम कहते हैं पूरा को डीए, ये है डीए एरिया, है ना। और यहां पर जो एंगल बनेगा ये सॉलिड एंगल बनेगा इस तरह का, और इसको हम कहेंगे डी ओमेगा। तो ये जो एरिया है ये डी ओमेगा क्या डिफाइन होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन रेडियस स्क्वायर, यानी इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है। इसमें यहाँ प्लेन एंगल नहीं बनेगा, एक सॉलिड एंगल बनेगा। तो इस सॉलिड एंगल को अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो ये मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, और ये इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एक स्फेयर है, तो स्फेयर में क्या मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा रेडियस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट के चारों ओर 4 पाई का सॉलिड एंगल बनता है। सो द स्फेरिकल एंगल, अब सर्कुलर नहीं कहेंगे स्फेरिकल कहेंगे, स्फेरिकल सॉलिड एंगल एंगल अबाउट ए पॉइंट इज कितना बनेगा 4 पाई रेडियन, ये स्टेरेडियन, इसका सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये हो गया एस आर, तो इतना होता है सॉलिड एंगल। ये आगे जरूरत पड़ेगी फिजिक्स पढ़ने में, तो अभी आप ये समझ लें कि सॉलिड एंगल है। ये इंटीग्रेशन की बात हम कह रहे हैं, ये अभी आप थोड़ा सा इसको नहीं समझे क्योंकि इंटीग्रेशन अभी आपको पता नहीं है, आगे बताया जाएगा, लेकिन ये कहेंगे कि ये छोटा है, ये ओमेगा है, इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा ओमेगा, ठीक है ना। तो ये डी ओमेगा का मतलब ओमेगा का छोटा बच्चा, छोटा ओमेगा डी ओमेगा। उसी तरह से एरिया का छोटा एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो डी एरिया डी ए, थीटा का छोटा डी थीटा, डी का मतलब स्मॉल डिमिनिस्ड, ठीक है ना, तो छोटा सा होता है बहुत छोटा। तो इस तरह से ये होता है, इसको कहा गया ये क्या है, ये है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए ये सॉलिड एंगल ये होता है, कहीं पर भी एक एरिया और ये इस तरह का यहाँ पे जो बनेगा उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी यूनिट का, लेकिन अब इसके अलावा भी ऐसा यूनिट के अलावा भी यूनिट होता है, जैसे किलोग्राम से छोटी अमाउंट को मेजर करना हो तो ग्राम, उससे भी छोटी को मेजर करना हो तो मिलीग्राम, या बड़ी को मेजर करना हो तो क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 100 kg, और इसी तरह से 1 टन होता है, 1 टन में कितना होता है 1000 kg। तो इस तरीके से चीजों का टाइम ही है, 1 सेकेंड लिखा गया, लेकिन 1 मिनट फिर उससे बड़ा टाइम को मिनट में कहा गया, ये क्या होता है 60 सेकेंड के बराबर होता है। अब 1 आवर जो होता है उसमें होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है, फिर उससे बड़ा यूनिट कहा गया 1 डे, तो 1 डे को कहा गया इसमें कितना होता है 86,400 सेकेंड्स, ठीक है। 1 ईयर, अब इसमें कितना सेकेंड्स होंगे तो 365.25 × 86,400 सेकेंड्स, तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सब भी चीजें यूज में है, ऐसा नहीं है कि ऐसा यूनिट ये का अल्टीमेट है, बट उसको जो हमें और भी चीजें यूज में है उसकी भी चर्चा करेंगे,
लेकिन जब एसआई यूनिट की बात होगी तो इन्हीं सात की बात होगी, और इसके अलावा जो यूनिट्स होंगे वो कहलाएंगे डेराइव यूनिट। जैसे हमने कहा कि फोर्स को कहें, फोर्स इज इक्वल टू, आपने सीखा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को खुद पता नहीं है कि क्या है ये मास, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। तो अब ये हो गया मास को क्या कहेंगे, केजी। अब इसको चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी क्या है, नीचे 1 सेकेंड, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको इतना बड़ा ना करके न्यूटन कहा जाता है, तो 1 न्यूटन हो गया, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये भी यूनिट है, तो आगे ये अलग नहीं है, एक अलग नया नाम दे दिया गया है। इस तरीके से अलग अलग तरह के यूनिट और भी मिलेंगे, ये एसआई यूनिट के अलावा भी यूनिट होगा। और ये जैसे एक्सेलरेशन की यहाँ बात करी तो एक्सेलरेशन हो गया, अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसमें फोर्स का न्यूटन कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो मीटर होगा, तो न्यूटन मीटर हो गया। लेकिन अब उसको भी एक अलग नाम दिया गया, क्या, जूल। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स को आप अगर ये कह दें डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर हम ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, न्यूटन मीटर, लेकिन इसका नाम है जूल। तो ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, जूल सिंबल है जे, तो जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब 1 न्यूटन क्या है, न्यूटन खुद ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी, है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। तो ये सब पी यूनिट होंगे, बट स्टैंडर्ड यूनिट की जहां तक बात है ये सब डेराइव यूनिट कहलाएंगे। ये भी डेराइव यूनिट है, ये भी डेराइव यूनिट है, ये सब डेराइव यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट आपके पास है कितने, सिर्फ 7, और रेडियन और स्टेरेडियन को भी अब डेराइव यूनिट कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी डेराइव किए जा रहे हैं दो तरह के लेंथ से, और एक जो आर्क है वो भी एक लेंथ है, रेडियस है वो भी एक लेंथ है, दो लेंथ सिमिलर टाइप के दो बेस यूनिट से डेराइव किए गए हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम क्या, डेराइव यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन दोनों ही क्वांटिटी में कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो ये भी क्या है, एक लेंथ है, आर्क भी क्या है, एक लेंथ है, और आर्क एक लेंथ है, और रेडियस भी एक लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, कुछ भी नहीं बचेगा, तो कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी। इसी तरह से अगर ये बात करें हम कि स्टेरेडी सॉलिड एंगल में, तो ये भी एरिया है, एरिया में यूनिट डबल होती है, स्क्वायर यूनिट होती है, और रेडियस स्क्वायर में भी स्क्वायर यूनिट है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन यूनिट होती है। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। इसको आप और ज्यादा बेहतर अगर सीखना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये एक छोटा एंगल, इसको दूसरे तरीके से दूसरा ले लेते हैं, सॉरी, ये देखिए, ये आप ले लें कुछ इस तरह का एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, और यहाँ देखिए ये जो, और आप इस लाइन से ज्वाइन कर दें, और एक बार ये देखिए, तो ये जो एंगल बनेगा होगा सॉलिड एंगल, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है।
ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये कहलाएगा सॉलिड एंगल। यहाँ पे कोई प्लेन टाइप का बन रहा है ना, ये देखिए ये जो है ये बन रहा है, तो ये जो है ये कहलाएगा सॉलिड एंगल। ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और ये है एरिया, एरिया ये प्रोजेक्ट हो रहा है इसको हम कहेंगे एरिया, और ये होता है रेडियस स्क्वायर। तो एरिया प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, अगर टॉर्च यहाँ पे ये कहा समझो कि ये टॉर्च है जल रहा है, तो ये एरिया को इल्यूमिनेट करेगा टॉर्च, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि ये प्लेन नहीं है, ये पूरा ऐसे फोकस दे रहा है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। सेवन फंडामेंटल यूनिट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और डेराइव यूनिट क्या है, जो इससे डेराइव किया जाता है ना। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये जो पहला लेक्चर है, जो इसमें मेरा पर्पस था आपको यूनिट के बारे में बताना, और अब हम बात करेंगे अगले क्लास में मेजरमेंट्स के बारे में ब्रेक के बाद। तब तक आप ब्रेक लीजिए, और ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं अगले क्लास में कि मेजरमेंट्स क्या है, लेंथ को आखिर कैसे मेजर किया गया, तो इस तरीके से मेजरमेंट की बात होगी। तब तक के लिए थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं।